मौत का खेल, बलात्कारियों पर सिकंजा और खूनी खेल कब खत्म होगा, हर खबर पर है हमारी नजर। मिलेगा हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आइडिया सिटी न्यूज। चिल्ड्रेन ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। आपके शहर रजौली में खुल गया है भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र रजौली डोहरी पर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के सामने। यहां पर सभी बैंकिंग से जुड़े सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि अकाउंट बैलेंस, पासबुक अपडेट, पासबुक प्रिंट, नया खाता, रुपए कार्ड और अन्य बैंकिंग सेवा भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ग्राहक सेवा केंद्र संचालक रंजीत कुमार और गौरव कुमार से। मोबाइल नंबर 8757831415 या 6200962537 पर। स्थानीय भैंसासुर मोहल्ले स्थित साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह के आवास पर साहित्यिक मंडली शंखनाद के तत्वाधान में नालंदा के साहित्यकारों, कवियों व समाज सेवियों द्वारा साहित्यिक मंडली शंखनाद के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह की अध्यक्षता में देश के प्रख्यात उपन्यासकार, नवजागरण के अग्रदूत, हिंदी के अमर शब्द लिपि फणीश्वर नाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसका संचालन शंखनाद के मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय शायर नवनीत कृष्ण ने अपने कर्णप्रिय सार गर्भित शब्दों से किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने फणीश्वर नाथ रेणु जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में विचार संगोष्ठी, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्यकार मिथिलेश प्रसाद, साहित्य सेवी केदार प्रसाद मेहता, समाज सेवी धीरज कुमार, कवित्री प्रिया रत्नम, कवि अमन कुमार, संजय कुमार शर्मा, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार ने भाग लिया। भारत के नामचीन आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 100वीं जयंती साहित्यिक मंडली शंखनाद के सौजन्य से शंखनाद कार्यालय में इतिहासकार साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी की अध्यक्षता में मनाई जा रही है। आज हम लोग नालंदा जिला ही नहीं, बगल वाले पड़ोसी जिले शेखपुरा और नवादा के भी साहित्यकार और कवि शायर यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ख़ास करके ये शंखनाद वैसे साहित्यकारों को याद करती है जो कि लोग पन्नों में धूमिल हो चुके हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं। उन सारे साहित्यकारों को, महान आत्माओं को, महान पुरुषों को शंखनाद बराबर निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से याद करता है। शंखनाद पूरा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। यह जिले ही नहीं, दूसरे जिले के लोगों को भी एक मंच स्थापित कर नए पौधे, जो नए नवनीत शायर हैं, नवनीत कवि हैं और इतिहासकार को यहाँ खोज कर करके यहाँ उपस्थित किया जाता है, और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम लोगों के बीच ले जाते हैं। क्या नाम है? राकेश बिहारी शर्मा।